सुपर। चलिए तो सुपर में अब डुपर होगा, गाल पर शांत नीचे रखो, काय चिंता में लग रही, याद नहीं होता है? जी सर याद होता है, आए कल सुनाना है ना, वो समझ गए ना? हाँ तो कल सुनेंगे भाई, कल तो अंग्रेजी नहीं है, कल कौन दिन है? कल हिंदी है ना। तो यहाँ गिव है, देखिए गिव इन अ शॉर्ट समरी ऑफ एनीवन, इसमें ये चार को ऑप्शन देगा आपको, रुपेश इधर ध्यान दीजिए, ये चार को समरी देगा आपको, चारों में से क्या करना है, तो एक एक करके किसी एक पर आपको बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक क्या करके भाई, मीनिंग को बढ़िया से ठीक करके, ऐसा नहीं जैसे तैसे गलती सलती लिख दिए, बिल्कुल सही सही लिख रहे हैं, तब आपको मिलता है कितना नंबर, 10 मार्क्स मिलता है, 10 नंबर आपको तब जा करके मिल जाता है। चलिए तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा स्वयं का गीत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब अपने बारे में उसने लिखा है, कौन तो भाई कौन लिखा है, वाल्ट विथमैन, कौन लिखा है इसको, वाल्ट, देखिए यहाँ पर समझाते हैं, समझिए बढ़िया से, अच्छा समझिए, द पोइम, हाँ हाँ इधर समझिए, हाँ विथ WITH विटमैन, विथमैन या विथमैन लिख सकते हैं, हाँ विटमैन, हाँ विट विटमैन मैन, ठीक है। चलिए अब देखिए द पोइम, द पोइम क्या लिखा है, POEM को क्या पढ़ोगे, पोइम, यदि नहीं आता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, द पोइम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको ऐसे पढ़ने के लिए अपना से ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है चलेगा, चलेगा ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज, यहाँ पर हैज उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ एन छूट गया, हैज बीन कंपोज बाय वाल्ट विथमैन, ये जो मेरा स्वयं का जो गीत है आप लोग भी छोड़ दिए थे, देखिए छोड़िए नहीं, द पोइम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज बाय वाल्ट विथमैन, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्वयं का गीत है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो वाल्ट विथमैन के द्वारा कंपोज मतलब तैयार, कंपोज का मतलब तैयार किया गया, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज प्रोड्यूस्ड, अमेरिका का जो सबसे क्या कहा जा सकता है मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी में से एक है, कौन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब ही टेल्स अबाउट हिम सेल्फ इन दिस पोएम, इस कविता में लेखक ने अपने बारे में स्वयं के बारे में लिखा है, स्वयं के बारे में क्या किया है तो लिखा है, क्या लिखा है, द पोइट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, कवि क्या होता है तो अकेले गाता है, अकेलो आनंदित होता है, अकेलो गाता बजाता सब अकेले अकेले, किसी को भी साथ नहीं करता है, कैसा मतलब, ऐसा आदमी को तुम लोग कहेगा सर पागल तो नहीं था, सर फिरा तो नहीं था, ऐसा नहीं है, है कि नहीं, वह अकेले ही खुश होता था, यदि तुम यदि ये कहोगे कि कोई आदमी हमको जो कहेगा तब हम खुश हो गए तो यह तो मूर्खता है कि नहीं, खुद भी क्या होना चाहिए, व्यक्ति को खुश होना चाहिए, खुद भी क्या करना चाहिए तो गुनगुनाना चाहिए, चाहे कोई हमारे आवाज़ को देख करके मुंह फटा कहे या कुछ हो कहे, अपने आप को गाना चाहिए, समझ रहे बात को, पहली बात की आदमी जो सबसे पहले गिरने लगता है वह क्या, तो अपनी सारी कमजोरियाँ या खूबियाँ जो है लोगों के मुँह से सुनना चाहता है, इस कारण से कोई यदि बुरा भला कर देता है तो उसका मन गिर जाता है, समझ रहे बात को, और मन जब गिर जाता है तो उसका सेल्स खत्म होने लगता है, और सेल्स खत्म होने लगता है तो उसका बॉडी डैमेज होने लगता है, और उसका बॉडी जब डैमेज होने लगते है तो उसकी स्थिति खराब होने लगती है, गंभीर होने लगती है, तो आप अपने से खुश होने के लिए खड़ा है, देखिए कवि साहब कहते हैं खुद से खुश हो रही है, चाहे आपके बारे में कोई अच्छा कहे या चाहे भला कहे या बुरा कहे, आप खुद से क्या कीजिए तो खुश रहिए भाई, अच्छा रहिए। अब देखिए द पोइट, यहाँ पर देखिए ना, द पोइट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर ऑल द सेल्फ, अकेले गाता था, अकेले हंसता गाता बजाता भी था, ठीक है। अब बातचीत के संदर्भ में भी आपने पढ़े हैं कि अच्छा बातचीत क्या हो सकता है, ठीक है, आप स्वयं से बात कीजिए, कहा है ना ये लेखक एक साहब, लेखक ने कहा है कि आप स्वयं से बात कीजिए, मतलब आपकी आप अपने मन से बात कीजिए, ठीक है, मन से कैसे, एक तत्व ये होता है आप मन को पकड़िएगा कैसे, जब आप किताब पढ़ने के लिए बैठिएगा ना तब आपका मन जब चल जाएगा कहीं दूसरे जगह, मुजफ्फरपुर या कलकत्ता, तब कहिएगा अच्छा अच्छा उसी से बात करना है हमको, हाँ उसी से बात करना है, पढ़ तो रहे यहाँ पर लेकिन मन कहीं अब वो कहीं किसी और चीज में,
मोबाइल में चला जाता है, तो हो गया ना, वही तो हुआ। अब वही तत्व को वैज्ञानिकों ने पकड़ कर क्या कर दिया है, तो एक टावर के रूप में अरेंज कर दिया है, ठीक है। वहां पर सेंसेटिव जाता है, उसको क्लिक करता है, फिर उसी के सेम रेंज को पकड़ता है, तुम्हारा फोन वहां पर जाकर के लग जाता है। ये तत्व प्रकृति में भी है जो मन में है, इसलिए मोबाइल का आविष्कार हो चुका है, नहीं तो मोबाइल का आविष्कार कभी नहीं होता। समझ रहे बात को? तो अब उसी को ही तत्व कहा, अब उससे बात कीजिए, स्वयं से बात कीजिए। तो यही कहा है, सिंग फॉर ऑल द सेल्फ, अपने खुद से गाता बजाता था। बट द पॉइंट इज नॉट अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लेकिन यहां पर जो लिखा है उसको ये कह दिया कि लेखक अन्य से अलग नहीं है, मतलब पागल तागल नहीं था। समझ रहे? इसलिए एक लाइन में लिख दिया, क्या लिख दिया है, बट द पॉइंट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वह किसी दूसरे से भिन्न नहीं था, ठीक है, सबके समान था, मेरे जैसा आपके जैसा ही खाता पीता बजाता था। ही क्या रे, ही टेल्स हिमसेल्फ, है ही टेल्स हिमसेल्फ दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल, मतलब ये कहा है, समझिए यहाँ पर, सही कीजिए। अरे बकलोल है, देखिए यहाँ पर देखिए, ही टेल्स हिमसेल्फ दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल, वो ये कहा है कि जो ब्लड हमारे शरीर में दौड़ रहा है ना, जो आत्मा हमारे, सोल मतलब होता है आत्मा, सोल मतलब भूत, ठीक है, अब हाँ भूत नहीं होता है, आत्मा होता है, ठीक है। तो वो कहा कि जो आत्मा हमारे अंदर में है, जो ब्लड हमारे अंदर में, हमारे शरीर में, वही सबके भी शरीर में वही है, उसके भी शरीर में वही है, सही बात है। हिज ब्लड, हाँ वो तो, ही ऑलवेज असेम्स एवरीथिंग विच इज राइट, वह सभी चीजों को क्या करता था, अच्छे तौर पर क्या करता था, तो सोचता था, थिंकिंग करता था एवरी चीज को, प्रत्येक चीज को। ही ऑल्सो सेज दैट एवरी एटम ऑफ द ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब उसने ये कहा और ये सोचता था कि जो कहाँ तक है, यही अल्सो से वो हमेशा ये कहता था कि प्रत्येक आइटम में, प्रत्येक तत्व में, क्या है, तो प्रत्येक तत्व मतलब प्रत्येक मानव जाति में, ठीक है, अब एटम ऑफ ब्लड ऑफ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग, मतलब प्रत्येक मानव जाति में एक ही प्रकार का क्या है, तो ब्लड रक्त पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। ही क्या है, ही वंडर्स इन द सपोर्ट ऑफ हिज पेन विच गिव हिम पेन एज अ स्पीक कम एंड टच द स्किन, वह जब क्या कहते हैं किसी को मारता था कोई, नहीं यहाँ पर देखिए क्या कहता है, ही वंडर्स इन द सपोर्ट, वह हमेशा ये सपोर्ट करने के पक्ष में रहता था, यदि हम किसी को हर्ट करते हैं, यदि किसी को हम दुखाते हैं, ठीक है, तो दिखाते हैं, तो उसका मतलब वो अपने उसका दुख को ये भी क्या करता था, अनुभव करता था, मतलब अपने में अनुभव करता था, होता है ना, यदि हमारी ये आदमी था, वह यदि फिल्म वगैरह सब में भी देखता था कि करेक्टर कोई आदमी रो रहा है, आंसू बहा रहा है, तो वो भी बैठ करके क्या करने लग जाता था, तो ये देखिए कवि क्या कहा है कि वह उसको फील करता था और रोने लगता था, ठीक है, उसका नाम है किसुन शाह, ठीक है, जो डेथ कर चुके हैं, ठीक है परसों, हाँ बिल्कुल, वो बैठकर यदि रामायण में हम देखे हैं कि जब रामायण में राम भगवान की मतलब वनवास हो रहा था और वो सीरियल देख रहे थे, तो उस टाइम में वो रोने लगे थे, पूरा रो रहे थे, लग रहा था इसके सामने में घटनाएं घटित हो रही है, हाँ तो अब ये हो गया था, अब उसने क्या किया, तो वो पीड़ा को अपने में क्या कर रहा था, वो समेट रहा था, अनुभव कर रहा था, वैसा आदमी खुद ले रहा था, वैसा आदमी अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता, उसके जैसा नहीं हो सकता, वह चाहेगा तो संसार में कुछ भी करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, समझ बात को, उसके जैसा आदमी नहीं कहा जा सकता। तो अब देखिए ह्यूमन बींग्स, अब यहाँ ही वॉट एवर सेज दैट फ्रॉम हिज हार्ट ही सेज दैट एवरी वन ऑफ दिस वन वर्ल्ड,
अरे जी कहां से आ गया, देखिए कहां तो बोले, ही वॉट एवर सेज सेज दैट फ्रॉम हिज हार्ट, वह हमेशा वॉट एवर जब कभी भी या हमेशा क्या कहता था, सेज दैट फ्रॉम हिज हार्ट, वो अपने हृदय से कहता था, अपने दिल से कहता था, मन से कहता था, क्या कहता था, सेज दैट एवरी वन ऑफ ही ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स वन बाय वन, इस धरती पर क्या कहता सभी एक एक करके क्या होते हैं तो आते हैं कम्स, ठीक है ना, एक एक करके क्या होते हैं तो भाई आते हैं, ठीक है। He always keeps feeling or doubts in mind, क्या है, either good or bad, वह यह कहा है बीडी, हाँ बी बी ए डी बैड बैड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कहा है he always keeps feeling, वो हमेशा यह माइंड में क्या करता था, फीलिंग आता था और था, मतलब सोचता विचारता था कि माइंड आइदर गुड और बैड, हमारा जो दिमाग है वही दिमाग खराब भी है और बुरा, अच्छा भी है और बुरा भी है, खराब भी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या कहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, ठीक है।